जैसे कि हम लोग अब तक जो डिस्कस कर चुके हैं वो है मेन्यू बार एंड प्रॉपर्टी बार एंड टूल्स. तो टूल्स में हम लोग अभी जैसे बात कर रहे हैं तो टूल्स में आज हम ये देखेंगे कि कलर कैसे फिल करना है, कि कितने ऑप्शन हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है उसे सिलेक्ट कैसे करना है, कलर चाहे वो बिटमैप में है, चाहे वो फ्लैट कलर है, चाहे वो ग्रेडिएशन में है. तो ये जहाँ देखिए मेरे कर्सर रखा है, ये है फिल टूल. कोई ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहली चीज जो है ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है. हमने अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, देखिए आप ये एरो नजर आ रहा है आपको जिसे हम मूव कर रहे हैं, ये हमने सेलेक्ट किया है. अब हम जाते हैं फिल टूल. फिल टूल यहाँ जो बकेट का एक आइकन बना हुआ है इसे क्लिक करते हैं और इसके बाद यूनिफॉर्म फिल. सबसे पहले जो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है यूनिफॉर्म फिल, यूनिफॉर्म फिल को हमने क्लिक किया. हमारे पास ये सी एम वाई के पैलेट, जो सी एम वाई के में पैलेट है इस वक्त ये हमें नजर आ रही है यहाँ पर. इसे हम मिक्सर जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फिलहाल ये पैलेट है जो सिलेक्टेड है, मिक्सर है यहाँ पर. मिक्सर को हम क्लिक करते हैं तो मिक्सर आ जाता है. जैसे कि हम इसको मूव करके देखिए इसमें नीचे आप देख रहे हैं किस तरह से जो शेड्स जो है वो चेंज होती है. कलर हमें जो भी चाहिए, जो भी शेड चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हम इसको फिल कर सकते हैं सेलेक्ट करके. उसके बाद आता है मॉडल. मॉडल को जैसे हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ एक मिक्सर, एक तरह से पूरा मिक्सिंग है. ये आप देख रहे हैं जो राइट साइड को ये न्यू कलर और ये ऊपर जो है ओल्ड कलर. अभी तक जो हमारा ऑब्जेक्ट का कलर है वो है व्हाइट. तो व्हाइट ये जो ऊपर हमें नजर आ रहा है जहाँ हमने अभी एरो रखा है, अभी ये देखिए जहाँ हमने एरो रखा है ये न्यू कलर है. मीन्स जो हमने अभी सेलेक्ट किया ये छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये देखिए हम इसे मूव करते हैं तो जो शेड है ये कलर का जो ये चेंज होता है. और सी एम वाई के में जिसकी वैल्यू है यहाँ दिखाता है, ये देखिए जहाँ जैसे श्याम जो है उसमें कभी 16 जो सेलेक्टेड कलर है शेड है हमारा, उसमें मेजेंटा के 36% और येलो है 64% और इसमें ब्लैक जो है वो नील है, मीन्स इसके अंदर ब्लैक नहीं है. तो ये अभी वैल्यू जो है यहाँ आपको दिखाता रहता है. आप यहाँ भी फिल अप कर सकते हैं, जैसे जो आप वैल्यू यहाँ फिल करते हैं, सपोज हमने इसको 10% कर दिया है सेवन को और इसे हमने 40% कर दिया है जो हमारा मिलियंटा है और येलो जो है हमने 30% कर दिया है. जो भी इन तीनों के मिक्स करने से जो शेड बनता है वो अपने आप आ जाएगी. ये देखिए ये जो बना है अभी शेड, आप देखिए जो हमने एक ऑब्जेक्ट को अभी फिल किया ये शेड वो आई है जो हमें हमने जो वैल्यू डाली थी. अब आप नीचे देखेंगे यहाँ देखिए जहाँ हमने कर्सर रखा है नीचे बिल्कुल ये कॉर्नर पे भी ये यहाँ वैल्यू नजर आ रही है. सैम जो है इसका 10% है, मेजेंटा 40% है, येलो 30% है और ब्लैक इसमें नील है. तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि इसमें कितनी परसेंटेज कितने जो शेड हमारे सी एम वाई के तो किस तरह से. और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जैसे हमने इसको अभी इसके ऑप्शन और ये सैफ कलर है कलर व्यूअर, तो ये एच एस बी ह्यू बेस्ट डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट है जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट कलर है वो ये. तो इसमें जैसे कि और भी हमारे पास यहाँ शेड आते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्लिक किया है सबसे ऊपर टॉप पे हम देख रहे हैं ब्लैक, ब्लैक से कितना 90% 80% इस तरह से जैसे व्हाइट ब्लू सियान ग्रीन, ये बाय डिफॉल्ट है. जैसे कि हमने ग्रीन को भी सिलेक्ट किया तो ग्रीन जो है यहाँ कलर जो है प्योर ग्रीन जिसको हम कहते हैं येलो और सियान 100% दोनों मिलके ग्रीन बनता है. तो ये देखिए आप इसकी जो वैल्यू सियान की नजर आई हमें 100% और यहाँ येलो में जो 100% हमें नजर आ रहा है ये प्योर ग्रीन मिल जाता. तो यहाँ हमने जैसे कि सेलेक्ट किया कोई कलर जो है फॉरेस्ट ग्रीन जो बाय डिफॉल्ट है इसके अंदर सेट है जो कलर शेड्स है, हमने फॉरेस्ट ग्रीन को सेलेक्ट किया तो ये हमारा फॉरेस्ट ग्रीन जो है किन किन कलर से मिक्स होकर बनता है, सियान 40% येलो 20% और ब्लैक 60% के मिलान से हमारे पास ये शेड आता है दिस इज फॉरेस्ट ग्रीन. ये तो बात हुई हमारी जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि फ्लैट जो हमने कलर इसमें फिल करना है, जो हमारे पास ये जो मिक्सर है मिक्सर को किस तरह से इस्तेमाल करना, देखिए आप ये देखिए हमने जैसे इसको मूव किया ये जो आपको ब्लैक ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है जहां ये एरो है ये देखिए इसे आप मूव कर सकते हैं. और यहाँ आपको ये कलर बता रहा है कि हमारे सबसे पहला जो बॉक्स है उसका जो कलर है एक्चुअली वो है सिलेक्टेड जो कलर है यहाँ पर, और यहाँ इसकी जो वैल्यू है सियान 2% मिलियंटा 7% और येलो जो है वो 100% है. तो जैसे इसको मूव करते हैं ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज होती है
और यहाँ आपका जो शेड है वो चेंज हो रही है, आपका जो बॉक्स नजर आ रहा है, आपका जो न्यू कलर है उसको बॉक्स में वो शेड जो चेंज होती है। तो ये है इसका एक तो ये तरीका है। इसका साइज कितना अपना है, ये नीचे जो आपके पास ये एक बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर देखिए आप कितने तरह से शेड्स आ रहे हैं उसी की एक जैसे कि हमने भी जो 100% येलो 86% जो मैजेंटा का है जो शेड लग रहा है रेड कलर है एक तरह से ऑरेंज है बेसिकली। तो ये ऑरेंज कलर जो है ऑरेंज की अलग अलग शेड देखिए व्हाइट से लेकर ऑरेंज तक जितने भी उसमें मिक्स करके आप बना सकते हैं व्हाइट से मिक्स करके वो इसके अंदर देखिए आप किस तरह से बनती है। तो ये मैजेंटा और येलो 7% और 7% दोनों और ये मिला के पिंक पिंक बनता है। ये पिंक बन रहा है क्योंकि व्हाइट कलर मिला है वो ज्यादा है बिल्कुल लाइट सा कलर। तो ये यहाँ पर देखने को बड़ा आपको मिलेगा कि ये चीज जो है यहाँ बहुत कूलर कलर कौन सा है कूलर कलर दिए जब हमने कूलर कलर सेलेक्ट किया अभी हमने वार्मर सेलेक्ट किया तो किस तरह से वो शेड चेंज हो जाती है इसकी वो जो अभी तरह लाइटर था तो लाइटर में ये व्हाइट से लेकर ऑरेंज तक और यहाँ ग्रीन से लेकर देखिए लाइट ग्रीन तक व्हाइट तक है। तो उसके बाद जैसे कि लेस सिचुएशन ये देखिए आप कलर किस तरह से इसमें चेंज होते हैं ये सब समझने के लिए बात है या जब प्रैक्टिकल करते हैं फिर शेड्स वगैरह जो भी आपको ऑब्जेक्ट को देना है वो आप देखते हुए कि कौन से हमें शेड चाहिए किस तरह के शेड्स चाहिए वो आप इसको दे सकते हैं। इसको नम भी कर सकते हैं देखिए हमने नम किया तो अभी हमने जो सेलेक्ट किया है कलर जैसे कि रेड तो ये रेड ऊपर नजर आता है उसके बाद यहाँ ये ऑरेंज नजर आता है और ये ग्रीन नजर आता है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी आप यहाँ देख सकते हैं ये है फ्लैट कलर अगर हमने फिल कर लिया तो ये इसकी बात हुई यूनिफॉर्म फिल इसको फ्लैट कलर भी बोलते हैं हम लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा है यहाँ फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल जैसे कि हमने फाउंटेन पहले जो एक टूल हमने स्टडी किया था फाउंटेन फिल की हम बात करते हैं वहां थी ट्रांसपेरेंसी यहाँ उपेक है। ये देखिए फर्क क्या है दोनों में एक जगह उपेक हम लेते हैं ग्रेडेशन में है दोनों कलर जैसे कि व्हाइट से लेकर रेड तक जो जितने भी उसकी शेड बनती है वो दिखाता है मिक्स करके वहां। लेकिन वहां पे जहां हमने फाउंटेन फिल की बात की थी फाउंटेन एक टूल इस्तेमाल किया था पिछले अध्याय के अंदर उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी थी यहाँ नॉन ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपेक कलर है। आप देखते हैं अभी अभी देखिए फाउंटेन फिल को हमने सेलेक्ट किया अभी हम यहाँ कलर सेलेक्ट करते हैं देखिए साम ये टू कलर की बात कर रहे हैं कलर ब्लेंड कितना है टू कलर और ऊपर आप देखिए टाइप के हैं लीनियर तो लीनियर में टू कलर्स और उसके बाद फॉर्म फॉर्म कोई भी आप कलर सेलेक्ट कर लें हमने रेड किया रेड के बाद हमने येलो किया। अब ये दो कलर के बीच जितने भी मिक्स होके दोनों कलर से मिक्स होके मिक्सिंग से जो कलर बनते हैं वो आपके पास आया था। ये देखिए आपके बिल्कुल जो जहां मैंने एरो रखा है राइट जो पाउडर है उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ येलो नजर आ रहा है जो हमने येलो फ्लैट दिया है प्योर येलो यहाँ प्योर रेड नजर आएगा बिल्कुल लेफ्ट में जो इसका जो एज है इस ऑब्जेक्ट का ये रेड है और ये रेड और येलो दोनों को जो हम मिक्स करते हैं तो किस तरह के शेड्स आते हैं बहुत सारे के सारे शेड्स हैं इसके अंदर दिस इज कॉल्ड ग्रेडेशन आल्सो। और ये जैसे कि हम इसे फाउंटेन फिल की बात करें लेकिन ये ओपेक है ये देखिए जो आपने पिछले अध्याय में देखा था हमने जब ट्रांसपेरेंसी की बात की थी वहां पर जब फाउंटेन फिल कर रहे थे लेकिन यहाँ जो फाउंटेन फिल है ये है ओपेक ये दोनों में डिफरेंस है। और इसके बाद हम फाउंटेन फिल में क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं जैसा कि इसके अंदर हम पहले लूनियर था अभी रेडियल तो रेडियल को हमने अभी जैसे सेलेक्ट किया तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा सेंटर है इसका बिल्कुल जो सेंटर है ऑब्जेक्ट का वहां पे येलो कलर हमें नजर आ रहा है और उसका जो बाहरी जो किनारा है छोर है बाहरी इसका ऑब्जेक्ट का वहां हमें रेड नजर आ रहा है और बीच में जो कलर है जैसे कि लाइट ऑरेंज है फिर डार्क ऑरेंज है और फिर वो धीरे धीरे जो मिक्स होके बनते हैं दोनों कलर से वो कलर आ जाते हैं। देखिए हम कलर चेंज करके देखते हैं इसमें और ज्यादा इसको समझने के लिए हमने इसमें ये ब्लू दिया है जैसे कि ब्लू जो है हमारा ये जो श्याम है जिसकी हम बात कर रहे हैं प्योर श्याम दिया है और रेड और श्याम से मिक्स होकर जो कलर बनते हैं जैसे जिसमें वायलेट भी कहीं नजर आ रहा है आपको कहीं और कहीं आपको हल्का सा ब्राउनिश टच भी नजर आ रहा है तो ये दोनों कलर मिक्स होकर जो बन रहे हैं ये वो कलर बन रहे हैं। तो हम इसको अनडू करते हैं इसके बाद हम वापस जाते हैं ये समझने के लिए कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। देखिए इसे हमने कस्टम किया
अभी ये टू कलर था पहले, इसे हमने कस्टम किया है। तो कस्टम जैसे ही हमने किया तो ये आप देखिए कि इसके अंदर और भी कलर ऐड करने के लिए ऑप्शन आती है। ये जो एक छोटा सा ये देखिए ये स्पॉट नजर आ रहा है आपको, बॉक्स नजर आ रहा है छोटा सा ब्लैक कलर का, ये हमारा इस तरफ से रेड, और ये जो दूसरा जो इसका छोर है राइट साइड को, यहाँ जो इस वक्त है वो है येलो, प्योर येलो। अभी हम क्या करते हैं, बीच में हम एक और ऐड करने की कोशिश करते हैं कलर, कोई भी कलर होता है जैसे कि व्हाइट। अब आप देखिए कि ये जो कलर हमने ऐड किया इसे आप किसी भी एंगल में कुछ की कोई भी पोजिशनिंग में रखते हैं, पोजिशनिंग यहाँ से आपको पता लगेगी इसकी पोजिशनिंग है वो कहीं पोजिशनिंग वो क्या है, इसे आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी पोजिशनिंग जो है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो इसकी पोजिशनिंग इस वक्त है वो है 53 53 का निकल के। आप देखिए कि जो सेंटर में बिल्कुल सेंटर में जो बिंदु बनेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो बिल्कुल प्योर येलो कलर, और उसके बाद एकदम बीच में उसके बाहरी जो उसका येलो के साथ जो टच कर रहा है वो है व्हाइट, और व्हाइट के बाद वो रेड शुरू हो जाता है। तो ये जो कलर बनते हैं ये देखिए आप एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने कस्टम एक बार किया। पहले हमने टू कलर सेलेक्ट किया था, उसमें हमने येलो और रेड देखा और सियान और रेड देखा कैसे मिक्स होकर कलर आते हैं शेड आते हैं। तो यहाँ ये बड़ी समझने वाली बात यह है कि इसकी जो पोजिशनिंग आप जैसे इसे चेंज करते हैं तो ये देखो ये इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है, येलो का दायरा बढ़ गया। जैसे मैं व्हाइट को जो सिलेक्ट किया, इसकी पोजिशनिंग जो सिलेक्ट किया, मैं वापस जाता हूँ, देखिए ये हमने इसको अंदर किया, ये देखिए इसकी पोजिशनिंग जो है 78। अब इसे करते हैं तो ये रेड ज्यादा नजर आ रहा है इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर ये समझना कि हमें जो ऑब्जेक्ट को किस तरह से ग्रेडेशन देनी है, किस तरह से हमें जो कलर देना है, शेड देने हैं वो किस तरह से देने हैं वो है चीज। और इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जैसे इसके अंदर हमें अभी सपोज ये हमने मैजेंटा दिया, अभी यहाँ हम इसको व्हाइट देते हैं, इसके अंदर और भी कलर ऐड किए जाते हैं, जैसा कि हमने भी ऑरेंज कर दिया इसके अंदर, यहाँ हम इसको ग्रीन करते हैं। ये सिर्फ एक आपको ये समझने के लिए इसके अंदर किस किस तरह के ऑप्शन, कितनी ऑप्शन हो जाती है। और ये रेडियल हमने किया था, उपाय रेडियल की जगह हम कोनिकल को कोनिकल करते, तो कोनिकल में देखिए अब ये किस तरह से वो कोन बनता है बीच में, देखिए ना ये बिंदु जो है ये बना, और उसके बाद जो कलर हमने जो अभी ऐड किए ग्रीन है, रेड है, मैजेंटा है, व्हाइट है और ऑरेंज है, तो ये जितने भी उससे मिक्स होकर बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। तो इसकी पोजिशनिंग जो है हमने जैसे कि यहाँ अभी चेंज की, और ये इसका जो सेंटर ऑफसेट है वो देखिए हमने ये कुछ चेंज किया, यहाँ ये हॉरिजॉन्टली इसका जो मूव करना है, कभी बिंदु था वो बिंदु बिल्कुल सेंटर में था, वो जीरो जीरो था, हॉरिजॉन्टली भी जीरो और वर्टिकल वो बिल्कुल सेंटर के अंदर था, बिल्कुल सेंटर उसमें था, उसके गर्भ में था, लेकिन हॉरिजॉन्टल जब हमने किया 40% तो ये देखिए अभी आपकी जो कोण है, ये जो बिंदु है, ये जो जहाँ से कलर मिक्सिंग हो रहे थे ये पोजिशनिंग इसको चेंज हो गई है, हॉरिजॉन्टली हम इसको काफी जो इसको अभी जो वैल्यू वाली है उसके हिसाब से वो चेंज हो गया। ऐसे ही इसको हम जीरो करते हैं, और अब हम देखते हैं कि वर्टिकली जब हम इसको कोई वैल्यू देते हैं तो वो उसकी पोजिशन जो है वो देखो चेंज होती है, कि हमने इसको अगर 12 इसकी जो वैल्यू दी है तो ये ऊपर खिसक गया है, ये वर्टिकली जो है वो ऊपर चला गया, तो इसको हम अगर माइनस में लेके जाएंगे तो नीचे को जाएगा। अब देखिए कि मैंने -10 किया जाएगी तो ये नीचे को आ गया, तो ये आप इस तरह से यहाँ पोजिशनिंग इसकी जो है चेंज हो जाता है। आपका जो बिंदु है वो कहाँ होना चाहिए ये आपके पास यहाँ ऑप्शन है, इसको हम अभी जीरो कर रहे हैं, और ये इसका एंगल क्या होना चाहिए ये देखिए, इसको समझने के लिए देखिए ये इसका जो एंगल हम चेंज कर रहे हैं, आप ये देखिए छोटा सा ये बॉक्स है जहाँ ये मैं एक कर्सर जो है ये मूव कर रही हूँ इसके आसपास, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर हमें बता रहा है कि वो जो हमारी शेड है वो किस तरह से आ रही है, कोनिकल जो किस तरह से बन रहा है। तो ये 40 जैसे कि हमने एंगल किया तो ये डिग्री है इसकी, जो डिग्री चेंज करी है हमने 80% जैसे हमने कर दिया है, या इसको 75% कर दिया, तो ये एक तरह से एक उस इतने ही एंगल के अंदर वो रोटेट कर देगा। ये देखिए हमने -30 किया, तो -30 क्या हम देखेंगे कि जो व्हाइट हमारा बिल्कुल एकदम इस कॉर्नर में बिल्कुल सीधा आ रहा था वो एकदम चेंज हो गया है, इसकी पोजिशनिंग जो है वो चेंज हो गई है। वापस चलते हैं वही, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर की जो ऑप्शन हमने अभी ओके किया है, जब के अंदर स्क्वायर के अंदर ये कलर चेंज हो गए हैं, जैसे कि व्हाइट से लेके व्हाइट ऑरेंज, फिर उसके बाद हमारा जो वो एक
कलर आया जैसे कि वायलेट और ग्रीन और उसके बाद रेड जो है हमें नजर भी नहीं आ रहा है उसके अंदर, चाहे वो उतना हमने उसकी पोजिशन ये चेंज कर दिया उसकी वजह से, ये देखिए इसको हम अंदर करते हैं अंदर की तरफ करते खिसकाते हैं तो शायद हमें जो है रेड कहीं नजर आ रहा है, हल्का सा रेड नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करना है वो किस तरीके करना है, जैसे हमने फ्लैट कलर फिल किया उसके बाद हमने ये देखा कि हम किस तरह से फाउंटेन फिल कर रहे हैं, फाउंटेन बिल्कुल उससे अलग जो हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे पहले वहां से टूल का जो हमने स्टडी किया पिछले अध्याय के अंदर उससे बिल्कुल अलग है। उसके बाद यहाँ आपके पास और जैसे कि आपके पास यहाँ जो पैलेट है आपके अगर आपको कलर नजर आते हैं आपको देख सकते हैं कि यहाँ जो कलर आपने जैसे कि एक ये सेलेक्ट किया हुआ है इसको नहीं करते हैं, चलिए ये पूरा का पूरा हम एक फ्लैट कलर देते हैं, ये हमने एक फ्लैट कलर दिया उसको। उसके बाद ये इसका कलर जो चेंज करना है आपका देखिए ये देखिए अब अदर्स अदर्स मीन्स कि आपके पास जो जो ये नजर आ रही है कि कलर पैलेट नजर आ रहा है उसके अंदर जो शेड आपको चाहिए वो नहीं डिस्प्ले है, आपको कुछ और शेड चाहिए है, आपका जो जरूरत है उसके डिजाइन की तो वो अदर्स में जाते अदर्स को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आती है कि वही एक वो विंडो जो खुलती है उसकी मॉडल की मिक्सर की पैलेट की, तो यहाँ आप अपने मुताबिक जरूरत के मुताबिक सी एम वाई के जो वैल्यू है वो डाल के आपने इसको मूव करके जो ये छोटा बॉक्स इसके अंदर इसको मूव करते हैं तो मूव करके आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले नजर आएगा कि आपको जो शेड है वो कौन सी शेड आपको नजर आ रही है, इसको आप कॉपी करते हैं कि ये शेड जो है वो ये आ रही है। अब ये देखिए कि हमने इसको कलर को हमने चेंज किया ये येलो किया तो वो जो शेड अभी हम लेके आए थे वो बीच में अभी कॉनिकल ये स्क्वायर में किया था हमने, बीच में जो आपकी स्क्वायर बनता है हल्का सा ये है बिल्कुल ब्राउन कलर का डार्क कलर का और बाहरी इसका छोर है वो है येलो कलर। ये आप और प्रैक्टिस करेंगे आप ज्यादा इसमें और खोजबीन करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही आपके लिए निखार आएगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है एलियन स्काई बेबी ये सब इसमें बाय डिफॉल्ट जो है एक तरह से वो सेट किए हुए हैं, बार्बल पोल है, ब्लू वॉश है, सर्कुलर ब्लू है, ये देखिए सर्कुलर ब्लू हमने किया तो ये बाय डिफॉल्ट जो है कि ये कलर जो इसके अंदर सेट है वो प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर वो आपको यहाँ मिल सकता है तो वो उसमें भी आप ले सकते हैं अगर उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है। यू कैन चेंज द कलर, ये देखिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं कलर को, ये हमने यहाँ गए उसके बाद हमने इसमें अदर्स में किया अदर्स में जाके हमने ये कलर चेंज कर दिया तो ये कलर जैसे हमने चेंज किया है यहाँ पर ये हमें नजर आएगा ये देखिए इसको हमने चेंज कर दिया तो ये हमारा जो कलर है ये चेंज हो गया तो अपने जरूरत के मुताबिक शेड चेंज कर सकते हैं सी एम वाई की वैल्यू डाल के आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक जो दूसरी ऑप्शन है उसको हम नहीं करते, देखिए यहाँ यहाँ पैलेट नजर आ रही है आपको जहां भी मैंने कर्सर मूव किया ये कर्सर नजर जहाँ क्रॉस का एक निशान नजर आ रहा है आपको एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है व्हाइट कलर में और इसके अंदर क्रॉस क्रॉस का मतलब ये है कि अगर आपको कलर मिल करना है ऑब्जेक्ट में तो कलर आप मिल कर सकते हैं। अभी देखिए हमने कलर मिल कर दिया है इसके अंदर नेक्स्ट जो अभी हमारे पास ऑप्शन है जो कलर फिल करने की वो है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में यहाँ पर जो ऑप्शन आते हैं देखिए हमने क्लिक किया एक विंडो खुलती है अब ये इसके अंदर टू कलर जैसे कि टू कलर के अंदर इसके अंदर ये ऑप्शन हमारे पास जो भी हम चाहते हैं वो हम इसको ओके करते हैं तो ये आपको आपने देखा कि यहाँ पर ये छोटा सा ये ब्लैक नजर आ रहा है वो पैटर्न जो है उसके अंदर फिल किया हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे ये एरो नजर आ रहा है लेकिन अभी हम इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए शायद यहाँ कहीं कंफ्यूजन होगी कि ये तो कुछ नजर नहीं आया कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हमें नजर नहीं आ रहा तो हम इस बॉक्स के अंदर जो है बॉक्स नीचे पड़ा है इसके यहाँ पे हम सेम वही पैटर्न जो है उसे सेलेक्ट करके यहाँ फिल करते हैं ये देखिए यहाँ वो नजर आ रहा है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट छोटा है उसका जो पैटर्न है वहाँ जो वो उसमें हल्का सा सिर्फ ब्लैक नजर आ रहा उसके हम अगर जैसे कि चेंजिंग भी इसके अंदर करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ आपके पास कलर जैसे कि जो फ्रंट कलर है ये है ब्लैक तो इसको हम रेड करते हैं ये देखिए हमने रेड किया उसके बाद ये जो ब्लैक कलर है इसका जो व्हाइट है इसको हमने येलो किया तो ये जो कलर है आप अपने मुताबिक अपनी जरूरत के मुताबिक इस पैटर्न में कलर भी चेंज कर सकते हैं तो ये आपके अपनी इच्छा के मुताबिक ही चलेगा जो आप चाहते हैं और इसमें रो में चाहिए कि आपको कॉलम में चाहिए ये भी आपके ऑप्शन है। फिर आपको स्क्रू करना है रोटेट करना है जैसे हम रोटेट करते हैं इसको हमने 3 डिग्री के ऊपर उसको या 5 डिग्री के ऊपर रोटेट किया तो अब ये रोटेट हुआ है लेकिन यहाँ आपको नजर नहीं आया छोटे ऑब्जेक्ट में हम बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर जब करेंगे तो आपको ये नजर आएगा
ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई छोटे के अंदर नया तो नहीं आया, लेकिन वो हाँ वो हुआ है वहाँ पर। ये देखिए हमने यहाँ पर 5 डिग्री जो रोटेट किया इसको, ये देखिए रोटेट हुआ है। पहले बिल्कुल सीधा सीधी लाइन थी इस बड़ी बॉक्स लग रहा आपको रेड कलर का, लेकिन अभी ये रोटेट हुआ है 5 डिग्री के ऊपर ये रोटेट हुआ है। तो ये जो हमारा एरो है इसका जैसे हम साइज बढ़ाते हैं, ये देखिए जैसे हमने साइज का इंक्रीज किया है इसके अंदर वो पैटर्न जो है वो नजर आया, तो जो मैं रोटेट किया था। तो ये जैसे हम छोटा कर रहे हैं, ये देखिए छोटा करते हैं तो वो क्योंकि वो पैटर्न जो है वो उसका साइज है वो बड़ा है तो वो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ कहीं कंफ्यूजन ना हो कि हाँ ये छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं आया, नजर नहीं आ रहा, तो शायद ये काम नहीं कर रहा, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको वो चेक करना है कि वो क्यों नहीं लगा रहा पैटर्न, क्योंकि हो सकता है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है तो उसको आप अपने मुताबिक उसकी विड्थ जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ अपनी जो यहाँ वैल्यू है इसकी जो विड्थ है वो 4 है, हम इसको करते हैं 2, और उसकी जो हाइट है इसकी हम करते वैल्यू डाल के 3। तो ये 3 जैसे हमने वैल्यू डाल इसको ओके किया। ये देखिए इसका जो साइज है, अब फर्क देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा आपको दिखाया। ये देखिए हमने ये जो आप देख रहे हैं सब ध्यान देखिए इस ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर हमने पैटर्न फिल किया है, इसके हम वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या साफ पड़ेगा। इसके हमने वैल्यू अभी की है 1 और यहां हमने की है 2। ये आप जब उसको ओके करते हैं आप देखिए कि ये फर्क पड़ा है इसके अंदर। देखिए इसका साइज जो है वो डिक्रीज किया हमने पैटर्न का, तो वो साइज जो है वो कम हुआ। जैसे साइज कम हुआ ना, पहले 1 या 2 लाइन नजर आ रही थी, 3 नजर आ रही है, तो ये जो पैटर्न है उसका जो साइज है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट में जैसे भी आपको जिस भी तरह से वो पैटर्न जो है वो फिल करना है। जैसे कि हम हमारे पास और यहाँ पैटर्न है, ये फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ब्रिक्स वाला जो यहाँ एक पैटर्न हमने अभी ये देखा, तो ये ब्रिक्स जो है वो पैटर्न जो बाय डिफॉल्ट है हमारे पास वो उसके अंदर कलर्स की चेंज करने के आपके ऑप्शन जो हमने अभी डिस्कस किया, फ्रंट का कलर क्या होना चाहिए, उसके बैक का कलर क्या होना चाहिए, ये हमने अभी देखा। और उसका जो साइज है, साइज यहाँ देखिए विड्थ और हाइट, उसको हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये तो भी पैटर्न फिल करने 2 कलर में पैटर्न जो है हमारे जो है। उसके बाद आता है फुल कलर, हमने अभी फुल कलर को जैसे कि अभी सेलेक्ट किया, देखिए आप हल्का सा ग्रीन बिंदु नजर आ रहा है, इसका मतलब ये सेलेक्टेड है। तो फुल कलर जो है ये हमने सेलेक्ट किया, अब इसके इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये हमारे ऑप्शन यहाँ और खुलते हैं कि कौन सा आपको चाहिए बिट मैप में पैटर्न, वो आप ओके करते हैं। तो ये जो पैटर्न अभी बिट मैप का पैटर्न का ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया आपके ऑब्जेक्ट के लिए। फिर चलते हैं, ये देखिए ये बिट मैप में है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप इसके अंदर कलर चेंज कर सकते, ये बस इसके अंदर ये ध्यान देने की बात है, इसके अंदर कलर आप चेंज नहीं कर पाएंगे बिट मैप के कलर चेंज करने, क्योंकि ये हमारे पास जो वेक्टर बेस्ड है ये प्रोग्राम जो है हमारा इस ड्राइंग के लिए बेसिकली कोरल ड्रॉ जो है, तो इसके अंदर जो कलर चेंज करना है वो सपोर्टिंग हमारा जो एक सॉफ्टवेयर इसके साथ आता है कोरल फोटो पे, उसके अंदर तो हो सकता है, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बिट मैप को फिल करने की बात, तो यहाँ हमारे पास जो कलर्स ओरिजिनल कलर्स के बिट मैप के अंदर है वही कलर हम फिल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर हमें सेट करने हैं, रीसेट करने हैं, उसको चेंज करने हैं, तो वो हमें एक जेपीजी फाइल या बिटमैप फाइल जिसे हम कहते हैं बिटमैप फाइल बना के उसे हम फोटो पेंट के अंदर ले जाकर वहां चेंज कर सकते हैं, या फोटो पेंट के अंदर या जो भी हमारे पास और सॉफ्टवेयर कोई आपके पास है जैसे फोटोशॉप है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ हम फिल करने की बात कर रहे हैं, जो आपके पास कलर है वही फिल करेगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो ये फुल कलर के अंदर जो आएगा पैटर्न है वो आपके कलर भी चेंज हो गए लेकिन वो पैटर्न फिल हो जाएगा। ये देखिए हमने भी ओके इसको किया तो ये जो पैटर्न हमारा है ये फिल हो गया। इसके बाद पैटर्न फिल के अंदर एक और ऑप्शन है हमारा बिट मैप। बिट मैप में जैसे कि आपके पास जो भी कोई आपके पास बिट मैप फाइल है देखिए बाय डिफॉल्ट जो पड़ी हुई है आप इसको ऐड भी कर सकते हैं लाइब्रेरी। ये देखिए आपके पास बिट मैप फाइल है बेसिकली एक फोटो है, ये फूल बने हुए आप देख रहे हैं वॉलेट कलर में। तो ये ऑब्जेक्ट जो आपका आपने फिल किया वो बेसिकली उस जेपीजी जो आपकी फाइल है या आपकी बिट मैप जो फाइल है इसकी और लाइब्रेरी जो है वो आप खरीद सकते हैं उसमें, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर है वो आपके पास है, तो लेकिन आप और चाहते हैं कुछ और बिट मैप में तो आप उसे ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन होगी, तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे लोड है, यहाँ ये लोड लिखा हुआ है ना,
तो ये हम लोड जो आप कलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास, और ये जैसे कि वो पूछता है सर से पूछ रहा है कि आप कहाँ से बिकमा दिलाना चाहते हैं, वो बिकमा कोई भी हो सकता है, कोई तस्वीर आपके पास पड़ी गई या कुछ कोई भी है, वो आप उसको लोड कर सकते हैं उसके अंदर, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम इसके अंदर जो बिकमा है वो किस तरह से लोड भी कर सकते हैं, और उससे हमें किसी ऑब्जेक्ट को फिल करने है उससे पर्टिकुलर फाइल अपने बिकमा फाइल से, तो वो आप कर सकते हैं। ये हुई इसके जो फिलअप करने की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद टेक्सराइज फिल, ये चौथा जो आप पास देखिए जो ऑप्शन है इसके अंदर वो है टेक्सराइज फिल। हमने टेक्सराइज फिल ओके किया। यहाँ आपके पास अभी जैसे कौन सा टेक्सचर आपको चाहिए, यहाँ टेक्सचर की लाइब्रेरी है बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम के अंदर जो हमारे पास है वो ये नजर आएंगे। इसके अंदर आपको आप इसके ऐड भी कर सकते हैं अपने जरूरत के मुताबिक लाइब्रेरी इसकी बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेक्सचर लाइब्रेरी के अंदर सैंपल लिखा है, सैंपल सैंपल फाइव, सैंपल सिक्स, सैंपल सेवन, सैंपल एट, सैंपल नाइन और स्टाइल्स। तो इसमें से आप कोई भी जो सैंपल फाइव हमने किया तो सैंपल फाइव के अंदर टेक्सचर की लिस्ट है। टेक्सचर की लिस्ट में है ये बैक्टीरिया, उसके बाद ये बीड्स है, ब्लैक रेनबो, ब्लू वैल्यू, ये सब वैल्यू, और ये सब ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे हमारे ऑप्शन है। रेड क्ले पॉटरी, जैसे हम इसको ओके करते हैं, अब देखिए जो कलर है उसके अंदर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसी टेक्सचर में फिल कर दिया उसने जो मैंने भी सेलेक्ट किया था, वो उसने फिल कर दिया। इसके अंदर एक और चीज है कि जैसे आपको लगता है कि हमें ये कलर जो है ये चेंज करना है, ये जो ब्राउन कलर है ये हमारी कलर के लिए डिजाइन में हमारे मैच नहीं कर रहा है, हमें हो सकता है रेड के साथ मैचिंग करनी या येलो के साथ मैचिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ जो ब्राउन कलर हमें नजर आ रहा है, ब्राउन और रेड और व्हाइट का मिक्स होके ये जो शेड आ रहे हैं हमारे पास, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हमने रेड किया, उसके बाद यहाँ येलो किया, ये ओके किया हमने, और उसका प्रीव्यू देखते हैं अभी आपको ये प्रीव्यू नजर आ रहा है। देखिए जो व्हाइट पहले था और ब्राउन था, अब ये येलो और रेड हो गया। तो इसे हम ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया, ये आपका जो कलर है वो आपने जो आपकी जरूरत के मुताबिक जो आपने कलर डाला था ये वो कलर आ गया उसके अंदर। एक बार फिर देखिए टेक्सचर फिल, टेक्सचर फिल के अंदर हमने रेड क्ले पॉटरी जो था, एक हमारे पास टेक्सचर की लिस्ट जो थी टेक्सचर लाइब्रेरी सैंपल फाइव में, वो हमने सेलेक्ट किया। उसका जो बाय डिफॉल्ट जो शेड था वो था एक ब्राउन, और जो लाइट जो शेड उसका था वो था व्हाइट, लेकिन हमने जो शेड अभी चेंज किया है अपने यूथ के मुताबिक वो हमने किया है रेड, और जो लाइट कलर हमने दिया है वो दिया हमने येलो। तो येलो और रेड का जो मिक्सचर बन के जो ये इसका जो व्यू आया है वो ये आया जो आप अभी देख रहे हैं, आपने उसको फील किया। इसके अंदर जैसे कि प्लैनेट, हमने प्लैनेट किया और इसमें प्लैनेट के अंदर ये ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है। देखिए हमने ओके किया इसको, अभी ये फिल किया इसमें ब्लैक उसके अंदर, और वो आपको एक तरह से वो स्टार्स नजर आ रहे हैं, जैसे स्काई के अंदर ये स्टार्स होते हैं उस तरह से नजर आ रहे हैं। तो इसको हम चेंज भी कर सकते, जैसे इसमें तीन शेड नजर आ रही है, पहले हमने जो देखा था रेड क्ले पॉटरी जो टेक्सचर था उसके अंदर हमारे दो शेड थी, एक था डार्क और एक था लाइटर। अभी यहाँ क्या है शेड जो है तीन आ गई है, शेड जो ये हमारे पास सबसे जो डार्कर शेड है वो है ब्लैक, और मिड शेड जो है वो है ब्लू कलर, और जो लाइटर शेड है वो है व्हाइट। तो अभी हम इसको जैसे चेंज करते हैं, अभी हमने ब्लैक को जैसे ये ग्रीन कर दिया है, और उसके बाद ये जो लाइटर कलर है उसको हमने येलो कर दिया है, और अब ये व्हाइट को हमने व्हाइट ही रहने दिया। अब हम सब प्रीव्यू देखते हैं, देखिए अब ये हमने फिल किया और इसका जो प्रीव्यू अब हम देख रहे हैं वो है ग्रीन येलो और व्हाइट से मिक्स होकर यहाँ प्रीव्यू आ रहा है। ये देखिए वो ये है कलर जो हमने अभी इसमें टेक्सचर में फिल किया है। तो इस तरह से और भी यहाँ ऑप्शन है, तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक जो भी आपको चाहिए। और यहाँ आपको जैसे कि जो ओके करते हैं, जो कलर जो सेट करते हैं, सपोज आपने ये रेड किया अभी इसके ग्रीन की जगह, तो यहाँ प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि वो प्रीव्यू उसमें कैसा शेड वो आ रहा है, कैसा बन के शेड आ रहा है उसका जो आपने अभी ओके किया है कलर का शेड। तो ये तो बात हुई इसकी जो हमने टेक्स्ट फिल करना है। अब हम बात कर रहे हैं पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल में जैसे हम गए, यहाँ हमने देखा कि यहाँ जो टेक्स्चर है बार्स
basket with birds. Basically, हमने birds को के दिया. चलिए, हम birds को के तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बहुत छोटे-छोटे आपको birds नजर आएंगे. एक जो picture में बनाया इसके लिए आपको ये आप देख पा रहे हैं कि एक उड़ता हुआ ये एक पंछी है यहाँ पर. जैसे कि सारस होता है उस तरह का एक पंछी है वो नजर आ रहा है. इसको और अच्छे तरीके से देखने के लिए कि वो बेसिकली कैसा नजर आता है ये ब्रिक्स को हम देखते हैं तो ब्रिक्स हमने लिया तो ब्रिक्स देखिए ये देखिए आपको ब्रिक्स नजर आ रही है ऊपर कि ये जो है एक जो हमने फिल किया है जो इसका जो अभी इसके अंदर जो टेक्सचर वो है ब्रिक्स तो इसके अंदर और भी है पॉजिटिव सिल्किंग है कार्पेट है जैसे कार्पेट को हम यहाँ करते हैं ओके करते हैं तो ये देखिए कार्पेट का जो एक टेक्सचर है जो कार्पेट में डिजाइन बना होता है उस तरह का एक टेक्सचर जो है इसके अंदर फिलअप हो जाता है. तो ये हमारे पास इस तरह की ऑप्शन ये देखिए हमारे पास है और इसकी